चूरू जिले में बुधवार को 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ये सभी दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात में शामिल होकर यहां पहुंचे थे। जिले में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने चूरू शहर और सरदार शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें ये खबर मिली थी कि निजामुद्दीन मरकज में तबलीग में सम्मिलित होकर चूरू के कुछ निवासी यहाँ आके रुके हुए हैं, तो उसी के इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमने ट्रेस किया था, इन्फॉर्मेशन ली थी, हमने पुलिस और प्रशासन के तंत्र को लगाया था, तो 18 लोगों की हमने सूची बनाई थी और उनको हमने पिछले दिनों हमने उनको आइसोलेशन में रखा था और ये टोटली 17 लोग थे। उन 17 लोगों की हमने सैंपल भेजी गई थी, उसमें हमारी चूरू की 7 लोगों की पॉजिटिव आई है, जिनमें चूरू के जो मरकज में जो रह रहे थे वो 3 और सरदार शहर के 4 निवासी वो पॉजिटिव आए हैं। जो चूरू के जो निवासी हैं जो मरकज में मस्जिद में रहते थे वो हरियाणा के रहने वाले हैं और वो वहीं निवास करते थे। आज हमारा टीम वहाँ पे पूरा सर्वे कर रही है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है वहाँ के इमाम्स और वहाँ जो मौजूद व्यक्तियों से।